अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट टू फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इस टॉपिक का जो नेम है दैट इज़ ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी इज़ डिफाइंड एज द कॉपिंग प्रोसेस, यानी जो हम फोटो कापी कर रहे होते हैं, आप लोगों ने फ़ोटो कापी की मशीन देखी होगी, उसमें जो हम फोटो कापी कर रहे होते हैं उसका जो फ़ोटो कापी करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, टू वर्ड्स का ये सम है, यानी ज़ीरोस एंड ग्राफी। ज़ीरोस का मतलब जो है ड्राई है और ग्राफिक्स का मतलब है राइटिंग, ड्राई राइटिंग, यानी इसमें इंक जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह काम होता है। ज़ीरोग्राफी में जो इसका प्रिंसिपल है, इसमें हम लैंप यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें एक ड्रम होता है। और लैंप क्या काम करता है, जिस पेज की हमने फोटोकॉपी करनी होती है उसका इमेज जो है वो ड्रम के ऊपर ट्रांसफ़र करता है। उस इमेज की वजह से उस ड्रम के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है, स्टैटिक चार्ज जो है वो आ जाता है। स्टैटिक चार्ज मीन जो चार्ज मूव ना करे, रेस्ट पर हो। तो लैंप क्या करता है कि जो है टोनर की जो डस्ट है, टोनर एक पाउडर होता है, उसकी जो डस्ट है उसको कलेक्ट करता है और इस डस्ट को, टोनर डस्ट को पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करता है। फिर वो टोनर जो है उस पेपर के ऊपर मेल्ट हो जाता है। उस टोनर के अंदर वर्ड्स जो होते हैं वो टोनर के अंदर जो वर्ड्स थे वो पेज के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। इस तरह हमारी फोटोकॉपी जो है वो हो जाती है। तो इस तरह ज़ीरोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो हम देखते हैं आगे कि कैसे अप्लाई होता है। ये आपको स्क्रीन पर इसकी ज़ीरोग्राफिक मशीन की तस्वीर नज़र आ रही है, जो कि आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा मार्केट्स में, जब आप फोटोकॉपी करवा रहे होते हैं उसकी शेप जो है वो इस टाइप की होती है। और जो है इसके हम देखते हैं मेन बार्स जो हैं ज़ीरोग्राफिक मशीन के, यानी फोटोकॉपी मशीन के जो मेन बार्स हैं इसमें, वो फर्स्ट इसका पार्ट ड्रम है, उसके बाद इसके अंदर हम टोनर यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद इसके अंदर हीटेड रोलर्स लगे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर फोटोकॉपी मशीन जो है उसका स्केच जो है वो नज़र आ रहा है, इसको आप देखें क्लोज में। इसमें देखिए एक ड्रम जो है वो आपको नज़र आ रहा है और ये ड्रम जो है एल्युमिनियम का बना होता है और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो सिलिनियम की होती है। ठीक है, और ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा है पेपर रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे शीशा ग्लास होता है, उसके ऊपर पेपर रखा हुआ होता है और साइड पर जो है आपको नज़र आ रहा है लैम्प, जो कि लाइट स्कैटर करता है और वो जो लाइट है वो कागज़ से रिफ्लेक्ट होकर वो ड्रम के ऊपर पड़ती है और इसका इस तरह जो कागज़ का जो वर्ड्स हैं उनका चार्ज जो है वो ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल हो जाता है, स्प्रे हो जाता है, यानी ड्रम के ऊपर जो सिलिनियम की कोटिंग है उसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा मज़ीद, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये दरमियान में ड्रम है और ऊपर जो है शीशा रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कागज़ रखते हैं जिसकी हमने फोटोकॉपी करनी होती है। और साइड से जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है, ये ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है आपको, जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना होता है वो इस साइड से जो है वो एंटर हो रहा होता है। एक्चुअली सिलिनियम क्या चीज़ है, ये फोटो कंडक्टर है। एल्युमिनियम तो जस्ट कंडक्ट करता है लेकिन सिलिनियम जो है वो फोटो कंडक्टर है, यानी वो लाइट की मौजूदगी में सिलिनियम कंडक्ट करता है और जब डार्क है होती है, अंधेरा होता है, तो उस वक्त वो कंडक्ट नहीं कर रहा होता। जिस ऊपर हमने जिस पेज की फोटोकॉपी करनी होती है उसको हमने उल्टा करके रखा हुआ होता है, उसका इमेज जो है लैंप वो ड्रम के ऊपर डाल रहा होता है, तो उस इमेज के अंदर वर्ड्स जो लिखे हुए होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो वाइट कलर की होती है। तो ड्रम के ऊपर जिन रीजन के ऊपर ब्लैक कलर का इमेज नज़र आ रहा होता है, पड़ रहा होता है इमेज, वो ब्लैक की मौजूदगी में चूँकि सिलिनियम कंडक्ट नहीं करता,
तो वो इमेज जो है वो वैसे का वैसे ही मतलब वो पॉजिटिव चार्ज जो है वर्ड्स का वो वैसे का वैसे ही रहता है, और जो उनके दरमियान में वाइट स्पेसिंग होती है उसमें वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें उसके लिए ड्रम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर आते हैं और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरह स्पेसिंग वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो वर्ड्स ब्लैक थे उनका उनके वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। अब ये ड्रम जो है वो घूम रहा होता है, और इसके इस साइड से जो है वो टोनर पाउडर जो है वो इसमें ऐड करते हैं, इसमें इस साइड से जो है टोनर पाउडर ऐड करते हैं, और वो टोनर जो है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है वो जो ड्रम के ब्लैक वर्ड्स वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उनको अपने साथ चिपका लेता है। ठीक है, अब ये ड्रम आगे घूम के और साथ हमने कागज़ जो है जैसे इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना है, वो ड्रम के साथ कागज़ जो है घूम कर उस साइड से निकलेगा, और यहाँ पर इसके अंदर हीटेड रोलर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, हीटेड रोलर जो है वो क्या करते हैं उस टोनर को मेल्ट कर देते हैं, और टोनर जो है वो मेल्ट होकर अपने जो उसने ब्लैक वर्ड्स वाला पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ था उनका इम्प्रेशन जो है वो कागज़ के ऊपर छोड़ देता है, उनका इम्प्रेशन जो है वो कागज़ के ऊपर छोड़ देता है, तो वो उसकी वजह से जो ब्लैक वर्ड्स का जो प्रिंट है वो इस वाइट पेपर के ऊपर जो है वो आ जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ड्रम के ऊपर जो है पहले वर्ड्स का इमेज पड़ रहा है उसमें सारा उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है आ गया है, तो जो वाइट स्पेसिंग है वो तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रम से आकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो ब्लैक कलर के जो ब्लैक कलर का पॉजिटिव चार्ज है वो सिलीनियम जो है वहाँ पर कंडक्ट नहीं कर रहा, तो उनका इम्प्रेशन जो है वैसे का वैसे ही रहता है, और डोनर जो है इस कागज़ के साथ ही घूम कर दूसरी साइड पर चला जाता है, तो जो है वो हीटेड रोलर्स के जरिए टोनर जो है मेल्ट होता है। पहले टोनर क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज जो ब्लैक वर्ड्स वाला है उनको अपने साथ अटैच कर लेता है, और आगे जाकर कागज़ के ऊपर जब वो टोनर मेल्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज इसको वो लीव कर देता है, छोड़ देता है, और पॉजिटिव चार्ज का इम्प्रेशन जो है वो कागज़ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंकजेट प्रिंटर था और उसका सॉरी ज़ीरोग्राफी था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंक जेट प्रिंटर है, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है कि इसमें इंक यूज़ होती है, और इसके अलावा इसमें ऐसा प्रिंटर है ये जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो यूज़ करना होता है इसके ऑपरेशन के दौरान। इट इज़ अ प्रिंटर विच यूजेज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन, और ये जब कागज़ के ऊपर जब जिसका प्रिंट हमने लेना होता है उसके आगे ये शटल कर रहा होता है, आगे पीछे हो रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर से इंक की जो एक बारीक सी स्ट्रीम है वो निकल रही होती है, तो उसको हमने इंक जो है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको इसमें नेक्स्ट आपको इसकी तस्वीर नज़र आ रही है इंकजेट प्रिंटर की, तो इसमें इस तरीके से हम जो है कागज़ डालते हैं और उनका प्रिंट जो है वो निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे इसका देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये पंप लिखा हुआ है, पंप के अंदर इंक की सप्लाई होती है, और पंप के नोज़ल से जब इंक जो है निकलती है तो वो बारीक से जो उसका सुराख होता है नोज़ल उसमें से निकलती है, तो वो रगड़ खाकर निकलती है, और फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्जेस जो है वो मतलब वो जो ड्रॉप्स होते हैं बारीक वो जो स्प्रे होता है इंक होती है उसकी बारीक थिन स्ट्रीम होती है वो बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आगे जाके इसका आपको नज़र आ रहा है कि इसमें यहाँ से ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकल रहे हैं इसके नोज़ल से, तो आगे इसमें चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं दोनों साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिन चार्जेस का प्रिंट लेना होता है जब वो ड्रॉपलेट्स गुजर रहे होते हैं तो उनके उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रोड जो हैं वो ऑफ हो जाते हैं, और उनके ऊपर ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, और आगे जो है यहाँ पर पेपर जो है वो रखा हुआ होता है तो पेपर के ऊपर वो ड्रॉपलेट जो है वो सीधा क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो डिफ्लेक्ट नहीं होते तो वो सीधा जो है पेपर के ऊपर आगे चले जाते हैं और पेपर के ऊपर जो है अपना प्रिंट छोड़ देते हैं, और उस कागज़ का के वो पार्ट्स जिनका प्रिंट हमने नहीं लेना होता जब उसके ड्रॉपलेट जो हैं उसके इमेज वाले ड्रॉपलेट जो हैं वो आगे जा रहे होते हैं
तो उस वक्त जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है हमने इसकी सेटिंग इस तरीके से की होती है कि वो उस वक्त ऑन हो जाता है, उन डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जिनका हमने इमेज नहीं लेना होता। और फिर वो यहाँ पर एक गटर आपको नज़र आ रहा है, रिसाइकलिंग गटर, जिसका वो डॉक्टर्स जो है जिनका हमने इमेज नहीं लेना होता वो इस साइड पर डिफ्लेक्ट होकर मुड़ जाते हैं। यहाँ पर डिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है, दो आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं, एक चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि डॉक्टर्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी प्लेट जो है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि उन डॉक्टर्स को जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको डिफ्लेक्ट करके तो वो गटर में इसको वेस्ट कर देती हैं क्योंकि हमने उन डॉक्टर्स का प्रिंट नहीं लेना। और जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि जिन डॉक्टर्स का इमेज लेना होता है पेपर के ऊपर जब वो पास कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ऑफ हो जाते हैं और उस वक्त जो है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता और वो डिफेक्ट नहीं होते, वो सीधा आगे मूव करते हैं पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट जो है छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये काम कर रहा था। यहाँ पर आप उसको मज़ीद थोड़ा सा मज़ीद तफसील से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंक पंप जो है वो लगा हुआ है, यहाँ से इंक रिजर्वायर है और जहाँ से हमें इंक इसके अंदर हमने इसका रखी हुई होती है और यहाँ से पंप जो है वो इंक को आगे सप्लाई करता है और यहाँ से इंक जो है वो नोज़ल में से स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो आगे जा रही है और ये चार्जिंग टनल है, इसके अंदर से वो ड्रॉपलेट्स जो है गुजर रहे होते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, ये टनल भी हो सकती है। और टनल का जो लफ्जी मतलब है वो सुरंग होता है, इसके अंदर से ये ड्रॉपलेट जो है गुजर रहे हैं और इस दौरान जिन ड्रॉपलेट्स का इमेज हमने लेना है कागज़ के ऊपर वो चार्ज नहीं होंगे और जिन ड्रॉपलेट्स का इमेज नहीं लेना वो चार्ज हो जाएंगे। और आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं इनके दरमियान से गुजर रहे हैं, जो चार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे वो मुड़ जाएंगे और वो गटर की तरफ मुड़ जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे और जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो नहीं होंगे वो जो है वो आगे जाकर पेपर के ऊपर जो है अपना प्रिंट छोड़ देंगे। तो ये पेपर जो है वहाँ पर मूव कर रहा होता है और इस तरीके से हम जो है इनका प्रिंट जो है वो ले लेते हैं। आई थिंक आपको इसका जो है प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।